यहां से मैं आपको जस्टिफाई भी कराऊंगा इसको, डेफिनेशन को देखिए। हेडिंग लिख लें नेक्स्ट, ओवरफ्लो। व्हाट इज ओवरफ्लो समझ लेते हैं एक बार। ओवरफ्लो ऐसा नहीं है कि यहां पर ओवरफ्लो हम मैंने एग्जांपल यहां पर टूल्स कॉम्प्लीमेंट का लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओवरफ्लो सिर्फ टूल्स कॉम्प्लीमेंट में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओवरफ्लो हो सकता है कहां पर, किसी भी साइंड रिप्रेजेंटेशन के अंदर ओवरफ्लो हो सकता है, चाहे वो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो या टूल्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो। यानी कि कैसे लिखेंगे हम लोग, इन साइंड, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जहां पर साइन का इंपॉर्टेंस है, प्लस फाइव प्लस फोर इनकी इंपॉर्टेंस जहां पर है, इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, इफ टू सेम साइन नंबर्स आर एडेड। अच्छा, मैं सेम साइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम साइन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला माइनस फाइव प्लस माइनस फोर, तभी ये माइनस नाइन हो सकता है। अगर अपोजिट साइन का होगा तो ऑब्वियसली उसी रेंज में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये तो सिंपल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना समझ में आएगा, है ना। तो इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इफ टू सेम साइन नंबर्स आर एडेड, देन रिजल्टेंट मे एक्सीड द गिवन नंबर ऑफ बिट, मे एक्सीड द गिवन नंबर ऑफ बिट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है ओवरफ्लो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने देखा, इन दिस एग्जाम्पल, जैसे ये वेरी फर्स्ट टू है, इनमें एडिशन किया सेम साइन नंबर्स का, हमने 5 प्लस 2 7 आया आंसर, 7 4 बिट की रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। अब हमने देखा माइनस 5 माइनस 2 इन दोनों का ऑपरेशन कराया तो आंसर आया माइनस 7, वो भी इसी रेंज में है, माइनस 8 से प्लस 7 के बीच में कहीं माइनस 7 है, बिल्कुल सही है, ये भी 4 बिट में है, तो इसमें ओवरफ्लो नहीं हुआ, है ना। इन दो में क्या हुआ, नो ओवरफ्लो हम बोल सकते हैं, नो ओवरफ्लो, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। लेकिन जैसे हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो रिजल्ट है वो एक्सीड कर गया गिवन बिट को, क्योंकि 9 को अगर आपको लिखना है, प्लस 9 को लिखना है तो एटलीस्ट हमको चाहिए 5 बिट, 4 बिट से काम नहीं चलेगा, चाहे वो माइनस 9 हो या प्लस 9 हो, दोनों के लिखने के लिए 5 बिट कम से कम चाहिए। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 4 बिट में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो इस इन चार एग्जाम्पल की हेल्प से हमने यहां पर जो कंडीशन ऑब्जर्व की ओवरफ्लो की, अब मैं बात करूंगा किस तरह से इसे हम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी हम लिखें। जैसे मान लीजिए ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो गए जिनमें हम बात कर रहे हैं किस तरह से ओवरफ्लो हुआ किस तरह से ओवरफ्लो नहीं हुआ, यानी कि जो फर्स्ट टू एग्जांपल है 1 और 2 उनमें कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ओके। और हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 की, तो यहां पर ओवरफ्लो हो रहा है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर हमें इसका एक प्रॉपर मैथडोलॉजी तैयार करनी हो कि कहां पर ओवरफ्लो होगा कहां पर ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि हाउ टू डिटेक्ट ओवरफ्लो इन एनी ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर हम ओवरफ्लो डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसके मेथड की बात करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट लिखेंगे मेथड टू डिटेक्ट ओवरफ्लो, या पहले हेडिंग लिख लेते हैं ओवरफ्लो। पहले मैं डेफिनेशन इसकी बता देता हूं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की डेफिनेशन यहां पर क्या होगी, देखिए जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं कि आपने 4 बिट एडिशन किया और रिजल्ट आया वो भी 4 बिट में वैलिड है, यानी कि 4 बिट में माइनस 8 टू प्लस 7 के डिजिट्स आ सकते हैं, और हमने देखा कि इसके अंदर कि जो प्लस 7 है वो भी 4 बिट फॉर्मेट में आ सकता है, माइनस 7 भी आ सकता है, लेकिन यहां पर रिजल्ट आया है माइनस 9 जो कि
इस 4-bit फॉर्मेट में नहीं आ सकता है, क्लियर। और यहां पर प्लस 9 आया, ये भी 4-bit फॉर्मेट में नहीं आ सकता। और आप एक चीज और समझें इसमें कि जब भी एडिशन होगा तभी ऐसा हो पाएगा। यानी कि मान लीजिए मैं यहां पर कोई भी दो डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करूं, लाइक मैं आपसे बोलूं 5-4 या 6-2, यानी कि अगर हम दो नंबर्स को अगर अपोजिट साइन का लेके चलेंगे तो ओवरफ्लो कभी नहीं होगा। ऑब्वियस है कि हम जब 4-bit के दो डिजिट्स हमने लिए रैंडम और उन दोनों में सब्ट्रैक्शन किया, देन डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों की रेंज के बीच में ही कहीं रहेगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ओवरफ्लो की कंडीशन की जहां तक हम बात करते हैं, यानी क्या है ओवरफ्लो, व्हेन अर्थमैटिक साइंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, साइंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड समटाइम रिजल्ट एक्सीड द गिवन बिट लिमिट। This can happens if same sign numbers are added। यानी कि ओवरफ्लो कब हो सकता है कि जब हम सेम साइन नंबर्स को ऐड करें और जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो क्या करे, गिवन लिमिट को एक्सीड कर दे। यानी कि व्हेन अर्थमेटिक साइंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड सम टाइम रिजल्ट एक्सीड द गिवन बिट लिमिट, दिस कैन हैपन्स इफ सेम साइन नंबर्स आर एडेड, दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओवरफ्लो। अब बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ ओवरफ्लो की, यानी कि हाउ टू डिटेक्ट ओवरफ्लो। लिखिएगा इसमें, टू डिटेक्ट ओवरफ्लो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स हैं यहां पर, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट लिखिएगा यूजिंग साइन बिट। चलिए इसको मैं, इस मेथड को मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर चार ऑप्शन ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए, द फर्स्ट था 5+2, दूसरा था -5-2, तीसरा था 5+4 और बाद में था -5-4। तो साइन बिट मेथड में क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कंसिडर करूं एक्स, इसे मैंने बोला साइन बिट ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का साइन बिट है ये फर्स्ट नंबर। वाई को मैंने बोला दिस इज साइन बिट ऑफ सेकंड नंबर, और जेड मैंने बोला सपोज साइन बिट ऑफ रिजल्ट। क्लियर है। अब हमने इतना स्टेटमेंट दिमाग में रखा कि एक्स क्या है, साइन बिट ऑफ फर्स्ट नंबर है, y क्या है, साइन बिट ऑफ सेकंड नंबर है, और z क्या है, साइन बिट ऑफ रिजल्ट है। साइन बिट से हमारा क्या मतलब है, साइन बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या तो x की वैल्यू यानी कि जो साइन बिट ऑफ फर्स्ट नंबर है या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। ओके, ऐसे y की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। तो इसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पर वापस जाता हूं मैं, यहां पर x की वैल्यू कितनी दिख रही है, x मतलब इसका साइन बिट कितना दिख रहा है आपको, साइन बिट दैट इज व्हाट x, तो इसका साइन बिट जो इक्वल टू मैंने लिखा है x है, कितना है साइन बिट इसका, इक्वल टू जीरो है जिसकी वैल्यू है x। ओके, इसका साइन बिट कितना है, साइन बिट ऑफ सेकंड नंबर ये भी इक्वल टू है जीरो जिसको मैंने सपोज मान लिया है y। क्लियर है इतनी बात सभी को। ओके, और जो जेड आया यहां पर उसका साइन बिट कितना है, जिसको हमने माना है साइन बिट ऑफ रिजल्ट,
इसकी वैल्यू यहां पर है इन दिस एग्जांपल इक्वल टू जीरो, दिस इज आई हैव टेकन एज अ जेड, क्लियर है। अब सेकंड एग्जांपल में आता है साइन बिट, इसका कितना है साइन बिट इक्वल टू वन, जिसको मैंने एक्स माना है फर्स्ट नंबर, इसका साइन बिट कितना है इक्वल टू वन है जिसको मैंने वाई माना है, क्लियर है। और ये है इसका साइन बिट, इसको ये इसमें कंफ्यूज ना हो, ये डिस्कार्टेड वाला हम काउंट नहीं करते, है ना, डिस्कार्टेड वाला कंसीडर ही नहीं करते। तो यहां पर कौन सा है साइन बिट इक्वल टू वन, साइन बिट इक्वल टू वन, जिसको हमने माना है जेड। यानी कि फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस के अंदर अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करूं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, हमने क्या किया साइन बिट ऑफ फर्स्ट नंबर देखा दैट इज इक्वल टू जीरो, साइन बिट ऑफ सेकंड नंबर देखा दैट इज इक्वल टू जीरो, साइन बिट ऑफ थर्ड नंबर जो कि रिजल्ट है वो हमने देखा यहां पर जीरो है। अब इसमें ये तीनों वन 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 है, ओके, और इन दो एग्जांपल्स में ओवरफ्लो हो भी नहीं रहा है, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इन दो एग्जांपल्स की। यहां पर अगर मैं नोटिस करूं साइन बिट को, साइन बिट कितना है साइन बिट जरा बताएं, साइन बिट मतलब एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो वो जीरो है जिसकी वैल्यू हमने मानी है एक्स। ये साइन बिट कितना है जरा बोलें, साइन बिट सोचते जाएं आप लोग जो मैं बोलता जा रहा हूं वो जीरो इक्वल टू वाई है, क्लियर है। और ये साइन बिट हमने इसे मान लिया है इक्वल टू जेड, साइन बिट इक्वल टू है जेड इक्वल टू वन, यानी कि इसका जो साइन बिट है रिजल्टिंग का दैट इज इक्वल टू वन इक्वल टू जेड, क्लियर है इतना। अब इसको देखते हैं इसका साइन बिट कितना मिला हमको, साइन बिट इक्वल टू इसका है वन दैट इज इक्वल टू एक्स, और इसका साइन बिट है इक्वल टू वन दिस इज वाई, और ये है साइन बिट इक्वल टू जीरो और जिसकी वैल्यू है जेड। यानी कि अगर हम फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, यानी कि 5 प्लस टू और माइनस फाइव माइनस टू की बात करते हैं, तो यहां पर हमने देखा x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, ओके, और तीनों जीरो है, क्लियर है। इसमें हमने देखा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन इक्वल टू जेड इक्वल टू वन, यानी कि तीनों इक्वल है और वन है, एंड देयर इज अ नो ओवरफ्लो, ओके। और थर्ड एग्जांपल में हम देखें तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो है बट z इक्वल टू वन है, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू वन। और फोर्थ एग्जांपल में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर x इक्वल टू वन y इक्वल टू वन बट z इक्वल टू जीरो, यानी कि अब यहां से मैं मेथड में क्या बोल सकता हूं, आई कैन से नाउ कि हमने लिखा w इक्वल टू W इक्वल टू एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड, पहला साइन बिट दूसरा साइन बिट और उसके अपोजिट है रिजल्टेंट का साइन बिट, पहला साइन बिट दूसरा साइन बिट उसके अपोजिट है रिजल्टेंट का साइन बिट। अगर इसकी वैल्यू वन है तो हम इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है देयर इज नो ओवरफ्लो। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, वापस जाते हैं, देखिए साइन बिट इक्वल टू जीरो इक्वल टू एक्स जीरो वाई जीरो जेड एक्स वन वाई वन जेड वन, देयर इज नो ओवरफ्लो, क्लियर। और यहां पर हमने देखा एक्स इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू जेड, यानी कि बाय यूजिंग साइन बिट हम ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मेथड समझ में आया सभी को? दिस मेथड वॉज आस्क इन द गेट 2012 पेपर, गेट 2012 के पेपर में इसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांचेस में ये मेथड पूछा गया था, ओके? तो इसे आप याद रख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एक्सप्रेशन ही उन्होंने पूछा था, ओके? अब इसमें हम बात करते हैं ओवरफ्लो डिटेक्शन की दूसरी मेथड के बारे में। सेकेंड मेथड क्या है ओवरफ्लो डिटेक्शन की? सेकेंड मेथड है यहां पर मेथड नंबर टू है बाय यूजिंग कैरी बिट, किसका यूज करके, कैरी बिट का यूज करके भी हम ओवरफ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैरी बिट। समझिए क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जॉर गेट को पिक्चर में लेके आता हूं, एग्जॉर गेट हमने पिक्चर में लेके आए,
ये है सी इन, ये है सी आउट, और इसका रिजल्टिंग यहां पर जनरेट हुआ डब्ल्यू। सी इन क्या है, ये कौन आ गया नया इंसान, और सी आउट क्या है, सी इन है कैरी इंटू एमएसबी, क्या बोलते हैं इसे, कैरी इंटू एमएसबी। अभी मैं समझाता हूं इसको क्या है, ये पहले लिख लेंगे इसको कैरी इंटू एमएसबी, फिर हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट मतलब कैरी आउट फ्रॉम एमएसबी, इतने इनके नाम से ही हम डेफिनेशन को रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया है उस एग्जाम्पल के थ्रू इसे डेफिनेशन को आपको रिलेट कराता हूं। देखिएगा, मैंने बोला सी इन एंड सी आउट। सी इन का मतलब समझते हैं क्या है, जैसे यहां पर मैं पहले वाले में बात करूं, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, यहां पर आपने देखा कि जो एमएसबी एडिशन है वो ये है, और एमएसबी से जस्ट पहले एडिशन ये है। ओके, तो जैसे अगर हम एक बार एडिशन को दोहराएं, देखिए 1 प्लस 0 दैट बिकम्स 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0, यानी कि ये जो एडिशन हो रहा है इससे कितनी कैरी जनरेट होके यहां पर इन हुई, उस कैरी को हम बोलेंगे सी इन। यानी कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें 0 0 है, आखिरी वाला जो लेफ्ट मोस्ट है वही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। उस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर कितनी कैरी इन हुई, दैट इज वी से सी इन, इन कैरी। ओके, और इस एडिशन से बाहर कितनी कैरी जाएगी, मतलब इस एडिशन के होने के बाद हमारे पास कितनी कैरी वैल्यू आई, जिसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसे इसमें डिस्कार्ड किया हुआ है, तो वो हो गई सी आउट। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट एडिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखें 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, यानी कि सी इन की वैल्यू है 0। जस्ट बिफोर एमएसबी बिट एडिशन से जो कैरी जनरेटेड होती है उसे हम बोलते हैं सी इन, यानी कि हम चाहें तो इसको यहां पर डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सी इन के बारे में, कैरी जनरेटेड बाय जस्ट बिफोर एमएसबी एडिशन, जस्ट बिफोर एमएस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एडिशन, यानी कि एमएसबी एडिशन के जस्ट पहले जो कैरी जनरेट हो रही है उसे हम बोलते हैं सी इन। जैसे यहां पर जनरेट हुई 0, और सी आउट को हम क्या बोल सकते हैं, सी आउट को हम बोल सकते हैं कैरी जनरेटेड बाय एमएसबी एडिशन, कैरी जनरेटेड बाय एमएसबी एडिशन। और इन दो कैरीज को, सी इन को और सी आउट को, हम भेज देंगे एक्सॉर गेट पर। एक्सॉर गेट से जैसे पास थ्रू होंगे तो एक्सॉर गेट की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी ओवरफ्लो को, यानी कि अगर डब्ल्यू की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है कि यहां पर ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, और अगर 0 आ गई तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, नो ओवरफ्लो। अच्छा, डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू इज द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट, क्लियर है। तो एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 कब आता है, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है, यानी कि दो इनपुट्स में अगर दोनों इनपुट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, इन दैट कंडीशन आउटपुट विल बी क्या आता है, दोनों इक्वल नहीं हो तो आउटपुट आता है 1, और दोनों इक्वल हो तो आउटपुट आता है 0। ओके, अब जरा एग्जांपल पे जाते हैं। इसमें हमने देखा सी इन 0, सी आउट 0, आउट कैरी कितनी हो रही है इसमें से 0। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 1 कैरी गई, और यहां से 1 प्लस 1, तो अब आप यहां पर भी नोटिस करके चलते हैं अगर हम, तो हम देख सकते हैं यहां से कि जो सी इन होगी इसके अंदर जो एरो, आप समझ पा रहे हैं, एमएसबी एडिशन से आफ्टर जो एडिशन हुआ, बिफोर जो एडिशन हुआ उससे जो जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड सी इन। तो सी इन की वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो आएगी 1, और जो कैरी हमने डिस्कार्ड कर दी है यहां से जनरेट जो हुई है, दिस इज व्हाट सी आउट। मतलब सी इन हो चाहे सी आउट हो, ये एमएसबी के अबाउट ही है। एमएसबी में जो इन हो रही है, मतलब इससे जस्ट पहले के एडिशन से जो जनरेट होके एमएसबी में जो इन हो रही है वो सी इन कैरी है। ओके, और जो एमएसबी एडिशन से जनरेट हो रही है जिसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं वो सी आउट कैरी है। तो यहां पर दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है।
वन वन को भेजो जरा एक्सोर पर, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। जीरो मतलब नो ओवरफ्लो, इन दो एडिशन में ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, हम पहले ही इसे रियलाइज कर चुके हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं थर्ड एडिशन में क्या होगा। सी इन सी आउट की वैल्यू जरा देखो, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस वन इज वन जीरो, यानी कि अब यहां पर कैरी इन होगी, यानी कि सी इन की वैल्यू कितनी मिल गई हमको इसमें, इक्वल टू वन, और ये वन कैरी वाला जो आया है वन प्लस जीरो इज वन, यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो जो सी आउट है उसकी वैल्यू है जीरो, कोई कैरी यहां से आउट नहीं हो रही है, तो सी आउट की वैल्यू कितनी है? जीरो। वन जीरो कॉम्बिनेशन को भेजेंगे कहां पर? एक्सॉर गेट पर, तो आउटपुट आएगा लॉजिक वन, यानी कि थर्ड एग्जाम्पल है जिसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। क्लियर है? अब देखते हैं माइनस फाइव माइनस फोर, तो माइनस फाइव माइनस फोर में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, देखिए जरा, तो यहां पर सी इन की वैल्यू कितनी है जरा देखो, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस वन इज वन, यानी कि यहां से यहां तक जो कैरी जा रही है उसकी वैल्यू है जीरो, यानी कोई कैरी नहीं जा रही है, जीरो मतलब दो कैरी जनरेटिंग। ओके, अब इसमें देखा आपने एडिशन हुआ, यहां पर वन प्लस वन का एडिशन हुआ, तो यहां से कैरी जनरेट हुई, दिस इज कॉल्ड सी आउट, यानी कि इन दिस एग्जाम्पल सी आउट की वैल्यू है वन, सी इन की वैल्यू है जीरो। आप भेजेंगे एक्सॉर गेट पर सी इन सी आउट को, तो W इक्वल टू आएगा वन, विच मीन्स देयर इज ओवरफ्लो। क्लियर है? सो ओवरफ्लो डिटेक्शन के हमने दो मेथड्स की बात यहां पर की। इन द फर्स्ट मेथड वी हैव रियलाइज्ड इट बाय यूजिंग साइन बिट, यानी कि जो MSB बिट है फर्स्ट नंबर का वो हमने नोटिस किया, सेकंड नंबर का MSB बिट हमने नोटिस किया, और जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसका हमने MSB बिट नोटिस किया। इन वन लाइन स्टेटमेंट अगर मैं बोलना चाहूं कि फर्स्ट का MSB बिट इक्वल टू सेकंड बट नॉट इक्वल टू द रिजल्ट, विच मींस देयर इज ओवरफ्लो। इतनी बात समझ में आ गई गाइस? चलिए अब हमने बोला दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में क्या है, जो MSB बिट है हमारा उस पर ध्यान रखें हम, और उसमें देखें कि कितना कैरी इन हुआ और कितना कैरी उस MSB से आउट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सी इन सी आउट। तो सी इन की वैल्यू और सी आउट की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो मतलब है ओवरफ्लो होगा, और अगर सी इन सी आउट की वैल्यूज इक्वल हैं, विच मींस देयर इज नो ओवरफ्लो एट ऑल। क्लियर है? तो ये यहां पर कंडीशन हमने कंप्लीट की। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन, दैट इज कोड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोड्स। हेडिंग कीजिएगा, कोड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। कोड्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ओके, एक्सेस थ्री कोड के बारे में बात करेंगे, एंड ग्रे कोड, तीन कोड्स के बारे में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं आप यहां पर, फर्स्ट वन बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। समझिए, जैसे मान लीजिए हम कोई भी डेसिमल डिजिट्स की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं हमारे पास? 10 डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स हैं ऑब्वियसली, ओके। तो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या करते हैं हम कि जो 0 से लेके जो 9 तक की वैल्यूज हैं उनको अगर 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड बीसीडी। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन 4 बिट फॉर्मेट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 4 बिट फॉर्मेट में है तो हम क्या बोलेंगे इसको, बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में अगर लिखेंगे तो हम बोलेंगे ये 4 बिट कोड है, ये क्या है, एक 4 बिट कोड है, ओके। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी डिजिट लिख रहे हैं, लाइक ऐसे लिखा आपने x3 x2 x1 x0, ओके और मैं आपसे बोलूं कि ये भाई बाइनरी है, क्लियर है? तो मैंने आपसे बोला ये बाइनरी है, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर 0 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर 1 है।
इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है 2 to the power 2 है, इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है 2 to the power 3 है, यानी कि इनकी पोजिशनल वैल्यूज को अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 8, 4, 2 and 1, तो आप इससे बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 8421 कोड। नाम याद रह जाएगा आपको इसका 8421 कोड। और ये हर एक डिजिट अपने पोजिशनल वेटेज के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है इसमें, तो हम इसे बोलते हैं वेटेड कोड। क्या बोला जाता है इसे? वेटेड कोड, वेटेड कोड। वेटेज्ड कोड। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी नंबर को बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट किया, तो वैलिड बीसीडी कोड कौन कौन से होंगे? अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें वैलिड बीसीडी कोड, यानी कि 0 to 9 तक की जो डिजिट्स हैं उनके लिए जो कोड लिखे जाएंगे, यानी कि 4 times 0 से लेके 1001, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड वैलिड बीसीडी कोड। यानी कि 4 times 0 से लेके 1001 यहां तक के जो बीसीडी कोड हैं वो वैलिड बीसीडी कोड में आते हैं। अब मैंने ये वर्ड यूज क्यों किया, वैलिड इनवैलिड, समझते हैं। हमको पता है कि 4-bit फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर जो डिजिट्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 times 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? 4 times 1 तक जाती हैं। इतनी बात हमको पता है। दीज आर द 16 पॉसिबल डिजिट्स अंडर द 4-bit बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि 4-bit बाइनरी फॉर्मेट के अंदर ये 16 डिफरेंट डिजिट्स पॉसिबल हो सकती हैं, ये चीज हमको पता है। तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें कि 4 times 0 से लेके 1001, तो यहां तक हम कवर कर रहे हैं 0 to 9 तक के डेसिमल नंबर्स को। तो अब जो आगे के बचे हुए डिजिट्स हैं कहां से? 1010 से लेके 4 times 1, ये जो हमारे पास बचे हुए 6 डिजिट्स हैं इनको हम बोल देते हैं इनवैलिड बीसीडी कोड। क्यों बोला इनको इनवैलिड? क्योंकि ये हैं तो 4-bit फॉर्मेट में ही, ओके, लेकिन ये 0 to 9 तक के डेसिमल डिजिट्स की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं, सो इसलिए हम इनको बोलते हैं इनवैलिड बीसीडी कोड। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मुझे छोटी सी एक बात और आपको समझानी है, पहले इसको नोट कर लें आप, इतना लिखना सब लोग इतना जल्दी से। पहले अब एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 8+1 परफॉर्म 8+1 इन बीसीडी। तो फर्स्ट मैंने लिखा 8+1, तो 8 को क्या लिखते हैं बीसीडी में? बाइनरी कोडेड डेसिमल में 1000 लिखेंगे। इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? 1 के साथ, यानी कि 1 का बीसीडी क्या होगा बताओ जरा? 0001। ऐड किया, 0+1 is 1, 0+0 is 0, 0+0 is 0, 1+0 is 1, तो यानी कि ये कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये क्या है? 9 का बीसीडी कोड है, बीसीडी कोड हो गया 9 का। अब अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल यहां बोलूं, 9+1, तो 9+1 हमारे पास आ गया, तो 9 की वैल्यू कितनी है बीसीडी में? 1001 है। 1 का बीसीडी कोड क्या है? 0001 है। दोनों को हमने ऐड किया, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो 1+1 is 0, कैरी गया 1, तो 1+0 is 1, 0, 1, 0, ये 1010 हमारे पास आ गया। दैट 1010 आपको पता है, दिस 1010 इज नॉट अ वैलिड बीसीडी कोड, क्योंकि ये आ चुका है इनवैलिड बीसीडी कोड की सीरीज में। अब क्या करें, समझ पा रहे कि नहीं? 9+1 किया तो आया 10, और 10 का कोई बीसीडी कोड हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता, बताऊंगा किस तरह से लिखा जाएगा 10 के लिए बीसीडी कोड, बात करेंगे उसकी भी। दिस 1010 इज नाउ अ इनवैलिड बीसीडी कोड। ये क्या मिला हमको? इनवैलिड बीसीडी कोड मिल गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें हम 0110 यानी कि 6 को ऐड कर देंगे, तो आपको देखिए कितना मिलता है, 0+0 is 0,
ये आंसर कितना आया था 10 आया था, लेकिन ये इनवैलिड बीसीडी कोड को डिफाइन कर रहा था। 1 प्लस 1 इज 1 0, तो 1 कैरी पे गया, 0 यहां पर आ गया। 1 प्लस 1 इज 1 0, यानी 1 फिर से कैरी में जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 1 0 और यहां पर आएगा 1 कैरी वाला, ये लिख लिया हमने। अब इससे एक चीज हमको सीखनी है, वो क्या है देखिए, आपने 0110 को ऐड किया तो ये जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बीसीडी कोड बनाऊंगा। तो बीसीडी कोड कैसे बनेगा जरा देखो, 4 बिट कोड है बीसीडी, तो यहां से लेके इनकी 4 बिट हमने यूज की, तो ये बन गया 0 का बीसीडी कोड, और इसमें मैंने 3 एक्स्ट्रा जीरोस यहां पर इंक्लूड की, तो ये बन गया 1 का बीसीडी कोड। यानी कि अब ये बन चुका है 10 का वैलिड बीसीडी कोड। यानी कि अब हम एक नोट पॉइंट के थ्रू समझते हैं क्या मैं कहना चाहता हूं। लिखिएगा नोट, नोट लिखें, लिखें ड्यूरिंग एडिशन इफ एनी इनवैलिड बीसीडी कोड इज प्रेजेंट, इफ एनी इनवैलिड बीसीडी कोड इज प्रेजेंट, यानी कि जैसे कि इसमें हुआ, आपने देखा कि जैसे आपने 9 प्लस 1 किया 1001001, तो हमको इनवैलिड बीसीडी कोड मिल गया 1010। तो क्या करना है, इफ एनी इनवैलिड बीसीडी कोड इज प्रेजेंट देन एड 0110 टू गेट करेक्ट रिजल्ट, टू गेट करेक्ट रिजल्ट, यानी कि करेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या करें आप, 0110 को क्या कर दें, उसमें ऐड कर दें। तो जैसे हमने 0110 यानी कि डेसिमल में अगर हम बोले 6, क्योंकि 6 ऐसे कोड हैं जो इनवैलिड है, तो ऑब्वियसली कि हम लौट के साइकिल कंप्लीट करके वैलिड रीजन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि 1010 से लेके 4 टाइम 1 तक की ही वैल्यू को तो जंप करना है, तो प्लस 6 करेंगे तो आप ऑब्वियसली क्रॉस कर जाएंगे उन वैल्यूज को। तो ये हो गया यहां से 10 का, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 10 का बीसीडी कोड क्या है, यानी कि 10 का बीसीडी कोड क्या है, तो आप बोलेंगे ये है 10 का बीसीडी कोड। आपसे कोई 37 का बीसीडी कोड क्या है, 37 का, तो 0011011 ये है 37 का बीसीडी कोड। तो किसी भी डिजिट का हमें जब बीसीडी कोड लिखना है, देन ऑब्वियसली विल यूटिलाइज अ 4 बिट फॉर्मेट, और जो कि हमें वेल डिफाइंड किया गया है 0 to 9 डिजिट के बिटवीन। क्लियर है, तो ये बात हो गई इसमें बीसीडी कोड की। अब जरा हम बात करते हैं एक्सेस 3 कोड। बीसीडी कोड समझ में आया सभी को, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और सिंपल डेफिनेशन की जहां तक हम बात करते हैं, तो ये डेफिनेशन हमने लिखी इसकी, 4 बिट कोड है और डेसिमल बिट, 4 बिट डेसिमल डिजिट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता था डेसिमल डिजिट्स को इन द 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की।